जुर्म से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज पट्टा मामले में अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। निश्चित रूप से आज का दिन हेमंत सोरेन और झारखंड की राजनीति के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जो चुनाव आयोग के पास सिफारिश की गई थी, जो शिकायत की गई थी, भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत की थी कागजी तथ्यों के साथ, जो हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मंत्री रहते हुए खनन लीज लिया है और ये जो है कानून का उल्लंघन है। इस शिकायत को राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद जो है अंतिम फैसला जो है वो राजभवन को कल भेज दी है और अब राज्यपाल को निर्णय लेना है और ऐसी संभावना है कि राज्यपाल आज इस मामले को लेकर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इस मामले में जो अभी तक जानकारी मिली है कि इस हेमंत सोरेन को दोषी माना है इलेक्शन कमीशन ने। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक राजभवन या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन कल जब दिल्ली से राज्यपाल लौटे रांची, उसके बाद उन्होंने राज्य के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको बुलाया, उनके साथ बैठक की, तो राज्यपाल जो है अपना फैसला सुनाने से पहले और जो व्यवस्था है वो अधिकारियों के साथ चर्चा कर ली है ताकि आगे चल के किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अगर कई तरह की संभावनाएं हैं, अगर हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराया जाता है, राज्यपाल इसकी अधिसूचना जारी करते हैं, तो फिर हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ेगी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो तत्काल फिर से विधायकों की बैठक बुलाकर वो नेता चुने जा सकते हैं और फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें जो अभी जो चल रहा है कयासों का बाजार, उसमें कई तरह के किंतु परंतु हैं। बिल्कुल, लेकिन झारखंड की राजनीति के लिए हेमंत सोरेन के लिए आज का अहम दिन है और देखना है कि राज्यपाल आज किस समय अपनी बात को रखते हैं, यानी कि जो फैसला है, जो चुनाव आयोग ने जो सिफारिश की है उस पर अमल कब करते हैं, आज करते हैं या इसमें और थोड़ा विलम्ब लग सकता है, चूँकि राजभवन की तरफ से इस तरह पर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक मीडिया कर्मियों को नहीं दी गई है। बिल्कुल।